हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? और आप सबको जैसा कि पता है कि एग्ज़ाम में बहुत ही कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और अराउंड 65 to 70 days आपके बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए। मैंने वीडियोस डाली हुई हैं किस तरह का स्केड्यूल आपने फॉलो करना है। अब बच्चों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, और एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी रादर। इस स्ट्रैटेजी को कई बार मैं चैम्प स्ट्रैटेजी बोलता हूँ पढ़ाई की, और ये स्ट्रैटेजी आपने बहुत अच्छे से फॉलो करना है आखिरी के 60-70 days। और ये स्ट्रैटेजी देखिए बच्चों, सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखिए कि आपने चूँकि एग्ज़ाम देना है, तो अभी कई चीज़ें हैं जो आप लोग के मन में आती हैं कि यार मैंने क्लासेस बंक की थी, मैं एग्ज़ाम के टाइम पे अपनी फ्रेंड के यहाँ पे चला गया था शादी में, या फिर मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने मस्ती की। बच्चों हमेशा याद रखिए, जो गिल्ट माइंड होता है ना, वो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाता, यू नो। तो एक चीज़ याद रखिए, तो आज ना आप सब भूल जाइए, आज सिर्फ यही सोचिए कि यू नो आज सब कुछ बराबर है, और मैं आज से मेरा फर्स्ट डे है जहाँ से मैं अपने आप अपनी पढ़ाई शुरू करने वाला हूँ। हालांकि 60-70 days का डे टाइम जो है वो बहुत कम होता है। आप CS एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं, CS प्रोफेशनल कर रहे हैं। चलिए अब मैं एक स्केड्यूल की बात करता हूँ कि किस तरह का स्केड्यूल आपको फॉलो करना है। सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टार्ट अप एट मॉर्निंग। मैंने जितनी भी वीडियोस बनाए हैं टाइम टेबल के ऊपर, मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टार्ट एट मॉर्निंग बच्चों, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम है दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टडी। आपका रात में पढ़ाई का मन लगता है तो फिर बच्चों मैं आपसे इस चीज़ में आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगा, बट लाइफ में एक चीज़ याद रखिए, जो बंदा सुबह उठ सकता है वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी जीत ना हम सुबह जब करते हैं ना बच्चों, हम अपने आप से जीत के उठते हैं, यू नो, व्हेन वी गो अगेंस्ट आवर सेल्फ। क्योंकि बिस्तर जो है वो सुबह सुबह बुलाता है कि भाई आ जा, लेकिन हम बॉडी बोलती कि यार सो जाते हैं 10 मिनट, लेकिन जब मेरा दिमाग बोलता है ना कि नहीं यार मैं जागूंगा, मुझे मेरे लक्ष्य से प्यार है। सो हम अपने बॉडी को एक बहुत ब्रेन को एक बहुत पॉजिटिव मैसेज भेजते हैं कि यार भाई पढ़ना ही है अपने को, कुछ भी हो जाए। और हम बताते हैं अपनी बॉडी को कि देखो पढ़ाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मेरा मानना यही है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना, ठीक है। मेक श्योर कि यू गेट अप एट 3, यू गेट अप एट 4, यू गेट अप एट 5। मैंने एक वीडियो ही बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि 3 बजे आप उठ के अगर सुबह 10 बजे तक पढ़ लेते हैं बच्चों, 7 घंटे में से आप इमेजिन कीजिए बच्चों, आपने 6 घंटे भी अगर पढ़ लिए, 5 घंटे ही पढ़ लिए, और वो पढ़ाई सबसे बेस्ट है जब व्हाट्सएप पे कोई ऑनलाइन नहीं है, जब कोई गूगल पे नहीं दिख रहा है, गूगल छोड़ दीजिए, फेसबुक पे कोई नहीं है, इंस्टा पे। और चूंकि आपका एग्ज़ाम है, मैं सबसे बात कर चुका हूँ कि पहले तो अपने ये सारे वीडियोस डिलीट कर दीजिए, वीडियोस बोल रहा हूँ सॉरी, ये सारे ऐप्स डिलीट कर दीजिए, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स हैं वो डिलीट कर दीजिए। सर यूट्यूब पे आपके वीडियोस, बच्चों मैं बोलता हूँ मेरे वीडियोस ही मत देखिए, यूट्यूब भी डिलीट कर दीजिए। आप ना खुद से अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अगर आपको कभी लगता है तो वीक में एक बार या हफ्ते में 2 दिन में एक बार आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, या जो भी फैकल्टीज हैं यूट्यूब पे जो आपका ध्यान रखती हैं, आपको मोटिवेट करती हैं, आप उनके वीडियोज़ देख सकते हैं, दोज वीडियोज़ आर रियली वेल। तो बच्चों और तीसरी चीज़, एक और चीज़ है बच्चों, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ना ये अमेंडमेंट्स के नाम से डरते हैं। बच्चों 2 दिन पहले मैं एक फैकल्टी का वीडियो देख रहा था, 3.5-4 घंटे का वीडियो उन्होंने डाला था, और वो बोल रहे थे कि इसमें अमेंडमेंट है। बच्चों वो अमेंडमेंट मैं अपनी क्लास में 1.5 साल पहले पढ़ा चुका हूँ। मैं एक यूट्यूब के जो टीचर्स हैं, मैं उनको भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि यार ऐसे बच्चों को डराने का नहीं, अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट, अरे कुछ नहीं अमेंडमेंट बच्चों। आपको ICSE की वेबसाइट पर मिलते हैं अमेंडमेंट, आप देखिए बच्चों, वो ICSE वाले ना उतना बढ़ा के लिखते हैं, जैसे अब 126 सेक्शन 126 के एक छोटी जगह पे अमेंडमेंट आया तो वो क्या करेंगे, पूरा 126 लिखते हैं, उसमें डिफरेंस होता है एक लाइन का बच्चों। आप अगर देखेंगे ना तो एक लाइन बड़ी आसान होती है। प्लीज़ डोंट कम इन दिस ट्रैप, यू नो, कि ये अमेंडमेंट हो गया, कुछ नहीं बच्चों। आपके पास जो मटेरियल है जस्ट मेक श्योर कि आपका जो स्टडी मटेरियल है वो लेटेस्ट है, और आप कीजिए बच्चों पढ़ाई, मतलब डजेंट मेक वो अमेंडमेंट अमेंडमेंट, आप बस ये इंश्योर कर लीजिए जैसे अगर आप 2019 में, तो आपका जो मॉड्यूल है वो 2018 से ज़्यादा का पुराना ना हो, बाकी सब कुछ बराबर है बच्चों। इंस्टीट्यूट भी ऐसा नहीं है कि आज अभी अमेंडमेंट आया और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले तुरंत, नहीं, उनको ही पता है कि यार कई बच्चे हैं जो विलेजेस में रहते हैं और यू नो उनके लिए डिफिकल्ट होता है ये सारे अमेंडमेंट्स को पाना। और कई जगहों पे तो इंस्टीट्यूट का भी अमेंडमेंट देने का स्टाइल बहुत गलत होता है, जैसे कि ICDR 2018 जब लॉन्च हुआ था तो उन्होंने डायरेक्टली वो पूरा गाइडलाइंस दे दिया, वो कहाँ से बच्चे को समझने वाला है। प्लीज़ डोंट कम इन दिस ट्रैप, या अमेंडमेंट वगैरह कुछ नहीं बच्चे, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। मेक श्योर कि आपकी बुक 1 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो आपकी मॉड्यूल, दैट्स इट, या फिर जो नोट्स आपने परचेज किए दे शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर। एंड देन बच्चों जो निंजा टेक्निक है,
सॉरी जो चाम टेक्निक है, निंजा टेक्निक अलग है, दैट उसके ऊपर भी मैं कभी डिस्कस करूंगा, दैट इज अ जापनीज टेक्निक, बट मैं चाम टेक्निक की बात कर रहा हूँ। सो चाम टेक्निक जो होती है वो ये होती है कि मॉर्निंग 10 10 o'clock तक आपका कम से कम 50% स्टडी कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप 3 से लेकर 10 तक की पढ़ाई करते हैं और इसमें अगर 6 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, तो जो 6 घंटे तो आपने पढ़ लिया, अब 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक का जो टाइम है उसमें आपको 6 घंटे और पढ़ना है। और तो आप ऐसा पढ़ाई लीजिए बच्चों, सुबह थियरी लीजिए, जहाँ पे आपको नींद आनी शुरू हो जाती है यू कैन टेक सम प्रैक्टिकल। और बच्चों सीएस प्रोफेशनल के जो बच्चे हैं उनको अगर मोटिवेशन की जरूरत है ना बच्चों, तो मैं मोबाइल की स्क्रीन से घुस के बच्चों अटैक करूंगा आपके ऊपर। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है यार, मैं हमेशा बोलता हूँ, जब मैं सीएस फाइनल में था मैं अपने आप को मोटिवेट कैसे करता था कि यार एक बार पास हो गए लाइफ टाइम अर्निंग ही अर्निंग है, तो इससे अच्छा मोटिवेशन और क्या होगा। सो मेक श्योर यू स्टडी हार्ड, पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, ज़्यादा किसी लोगों से मिलिए मत, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जाके हम अपने ब्रेन वॉश करके आते हैं और हमारा मन कहीं और लगने लगता है। एंड बी एट बेस्ट बच्चों, लाइफ में कुछ अच्छा कीजिए बच्चों, अच्छी नीयत रखिए बच्चों, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, जो लोग आपको जिनसे मिल के आप यू नो काफ़ी चार्ज होते हैं, ऐसे लोगों से मिलिए और खुश रहिए बच्चों, खुश रह के पढ़ाई कीजिए, टेंशन लेके कुछ नहीं होता बच्चों, हमारी लाइफ बहुत मैटर करती है हमारी। तो बी वेरी फोकस्ड, बी वेरी हैप्पी, तो पहली 3 चीज़ें, पहला बी वेरी फोकस्ड, बी वेरी हैप्पी एंड मीट पॉजिटिव पीपल, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सुबह 3 से लेके शाम को 8 बजे तक आपकी पूरी पढ़ाई होनी चाहिए, 12 घंटे की रोज़ की पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। सब्जेक्ट कौन से लेने हैं कैसे लेने हैं इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, बट ये चैम टेक्निक है, इस चैम टेक्निक का फॉलो कीजिए बच्चों को।